बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन अ हेमी बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस नाइन सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड द लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन टू सिलेंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स ईच ऑफ डायमीटर थ्री सेंटीमीटर एंड हाइट फोर सेंटीमीटर हाउ मैनी बॉटल्स आर नीडेड टू एम्पटी द बाउल बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे कहा गया है एक हेमी स्फेरिकल बाउल है कटोरा है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड से इन छोटी छोटी बॉटल्स को भरना है जिसकी रेडियस थ्री बाई टू सेंटीमीटर है और हाइट फोर सेंटीमीटर है तो इस लिक्विड से ऐसी कितनी बोतलें भर जाएंगी बच्चों हमने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था यहाँ पर हम लोग बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस को करने वाले हैं तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स इज इक्वल वॉल्यूम बड़ा वाला ऊपर वॉल्यूम छोटा वाला नीचे बच्चों तो यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे बड़ा वॉल्यूम ये हेमी है और हेमी के वॉल्यूम का फार्मूला होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल तो यहाँ पे स्मॉल सिलेंडर है इसका वॉल्यूम का फार्मूला नीचे होगा पाई आर स्क्वायर एच बच्चों यहाँ पे पाई पाई का हिसाब बराबर होगा तो ये कैंसिल हो गया पाई से पाई तो एन इज़ इक्वल बच्चों हो जाएगा फोर अपॉन थ्री कैपिटल आर है नाइन नाइन और नाइन स्मॉल आर है थ्री टू जाएगा ऊपर बाई टू थ्री बाई टू फिर से तो फिर से ऊपर जाएगा टू बच्चों यहाँ पर हाइट दी गई है फोर आप ध्यान दें थ्री थ्री जा नाइन कैंसिल हो गया फोर से फोर कैंसिल हो गया थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन टू ज़ा फिफ्टी फोर और फिफ्टी फोर टू जा जन नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन और यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और ध्यान दें यहाँ पर ये हेमिसफेयर था इसलिए वॉल्यूम फोर बाई थ्री ना होकर टू बाई थ्री होगा इसको चेंज कर लें यहाँ पर टू हो जाएगा बच्चों एक टू और कैंसिल हो जाएगा नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन टू ज़ा फिफ्टी फोर तो फाइनल आंसर आ चुका है फिफ्टी फोर बॉटल्स ये फाइनल आंसर है फिफ्टी फोर बॉटल्स भर जाएंगी इस लिक्विड से बच्चों समझ में आ गया होगा आपको आसानी से चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ ध्यान से देखें टेन में कहा गया है ट्वेंटी फाइव सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस टेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड थिकनेस वन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर आर प्लेस्ड वन अब द अदर टू फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर आप देखिए एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट और इस तरह से आप पच्चीस प्लेट रख देंगे तो एक प्रकार से वो कौन सी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा सिलेंडर आपसे कह रहा है सी एस ए निकालें और वॉल्यूम निकालें जो सिलेंडर बना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी सॉरी टेन नंबर बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट उसके ऊपर एक प्लेट इसके ऊपर एक, एक प्लेट इस तरह से पच्चीस प्लेट एक के ऊपर रखी हैं तो ये जो शेप तैयार हो गई ये सिलेंडर जैसी हो गई यहां पर कह रहे हैं नंबर ऑफ प्लेट्स ट्वेंटी फाइव है एक प्लेट की रेडियस टेन पॉइंट फाइव है एक प्लेट की थिकनेस या मोटाई या हाइट वन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर है बच्चों आपको सीएसए निकालना है टोटल और वॉल्यूम निकालना है तो सीधे कहा गया है एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट और इस तरह से 25 प्लेट रखी हुई हैं टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स 25 है रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एक प्लेट की है मोटाई एक प्लेट की 1.6 सेंटीमीटर है जो कि हाइट होगी सीए से वॉल्यूम निकालना है बच्चों ध्यान दें यहां पर आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टोटल सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल एंड इन वॉल्यूम ऑफ प्लेट एक प्लेट का वॉल्यूम और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे नंबर से ये ट्वेंटी फाइव हो जाएगा और एक प्लेट का वॉल्यूम पाई आर स्क्वाच होगा ट्वेंटी ट्वेंटी और मल्टीप्लाई करके कट करेंगे तो 1.5 आएगा वन थ्री एट सिक्स जीरो सेंटीमीटर क्यूब बच्चों ये वॉल्यूम आ चुका है अब हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना है सीएसए बच्चों यहां पर आप सी एस ए लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल ट्वेंटी फाइव इंटू सी एस वन प्लेट बच्चों ये हो जाएगा सी एस ए इज इक्वल ट्वेंटी फाइव टू पाई आर एच यहाँ पर आपको वैल्यू रख देनी है ट्वेंटी फाइव इंटू टू ट्वेंटी टू बाई सेवन टेन पॉइंट फाइव और हाइट है वन पॉइंट सिक्स सेवन से ही कट हो जाएगा सेवन वन जा सेवन फाइव जा जाएगा ट्वेंटी फ़ाइव टू फिफ्टी इंटू ट्वेंटी टू इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट सिक्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों आपको मिलेगा टू सिक्स फोर जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों इस तरह से आपने सीएसए कर सरफेस एरिया भी पता कर लिया है ये जो सिलेंडर बना था उसका चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ बच्चों क्वेश्चन नंबर इलेवन आपसे कहा गया द डायमीटर ऑफ मेटेलिक स्पेयर इज सिक्स सेंटीमीटर इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इन टू अ वायर हैविंग डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन एस जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर फाइन द लेंथ ऑफ द वायर आपसे कहा गया है एक मेटेलिक स्पेयर है जिसको मेल्ट करके बनाया गया है वायर तो आपको बच्चों अच्छे से पता है कि एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होने चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेवन नंबर बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कहा गया है एक स्पेयर है जिसको मेल्ट करके वायर बनाया गया है तो वायर की लेंथ निकालो तो आप बच्चों जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वायर मस्ट भी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर अगर एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जा रही है तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होने चाहिए बच्चों यहाँ पर आप वॉल्यूम ऑफ वायर की जगह लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब पाई पाई का हिसाब बराबर करना होगा तो पाई से पाई को कैंसिल कर दिया बच्चों रेडियस आपको दिए जीरो पॉइंट वन इंटू ज़ीरो पॉइंट वन इंटू एच इज इक्वल फोर बाई थ्री और कैपिटल आर दिया है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री बच्चों थ्री से थ्री कैंसिल हो गया एच कितना आ गया थ्री थ्री जा नाइन फोर जा थर्टी सिक्स और पॉइंट हटेगा तो अपोजिट साइड में एक जीरो बढ़ेगा यहाँ पर और पॉइंट हटेगा एक जीरो और बढ़ेगा तो थ्री सिक्स जीरो जीरो सेंटीमीटर आ गया बच्चों इसको हंड्रेड से डिवाइड कर दें तो एच आ जाएगा थर्टी सिक्स मीटर तो यहाँ पर हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया है बच्चों यही आपको फाइंड आउट करना था बच्चों क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर एलेवन देखिए यहाँ पर शुरुआत से देखें सबसे पहले फार्मूले का वीडियो देखें उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करें और ध्यान से देखें प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हों बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ देखिए ट्वेल्व में आपसे बोला गया है डायमीटर ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होलो स्पेरिकल सेल आर सिक्स सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली If it is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 meter, find the height of the cylinder. सिलेंडर बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है एक स्पेरिकल बॉल है हॉलो स्फेरिकल बॉल मतलब एक खोखली बॉल है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर, मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायमीटर है टेन दिया हुआ है तो 2 से डिवाइड करके हमने रेडियस निकाल ली यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर इसी तरह से अंदर का डायमीटर ये पूरा सिक्स दिया हुआ है तो हमने टू से डिवाइड करके अंदर की रेडियस निकाल ली ये वाली थ्री सेंटीमीटर कह रहे हैं इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया है जिसकी डायमीटर सेवन फोर्टीन दिया है टू से डिवाइड करके सेवन सेंटीमीटर हमने रेडियस निकाल ली और बच्चों यहाँ पे हाइट आपको कैलकुलेट करनी है बच्चों हम पीछे भी आपको बता चुके हैं अगर एक को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों के वॉल्यूम हर हाल में इक्वल होंगे इसी कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज करेंगे तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल बच्चों यहां पर आप फॉर्मूले रख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच बच्चों यहां पर आप लिखेंगे वॉल्यूम आउटर माइनस वॉल्यूम इनर अंदर का और बाहर के वॉल्यूम में अंदर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो इस बॉल में जो मेटल लगा था वो निकल आएगा बच्चों यहां पर आप फॉर्मूले रख दें पाई आर स्क्वायर एच स्फ़ेरिकल है तो फार्मूला तो वॉल्यूम का वही लगेगा फोर बाई थ्री पाई बड़ी रेडियस ली आर वन पाई आर वन फोर बाई थ्री पाई आर वन क्यूब माइनस फोर बाई थ्री पाई आर टू बच्चों यहाँ से फोर बाई थ्री पाई कॉमन ले लें पाई आर स्क्वायर एच फोर बाई थ्री पाई बचेगा आर वन क्यूब माइनस आर टू क्यूब बच्चों यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा रेडियस आपको सिलेंडर की दी गई सेवन इंटू सेवन इंटू एच कैलकुलेट करना है फोर बाई थ्री ये रेडियस है फाइव की पावर थ्री माइनस थ्री की पावर थ्री बच्चों आ जाएगा सेवन इंटू सेवन इंटू एच इज इक्वल फोर बाई थ्री इंटू देखिए यहाँ पर आएगा वन ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी सेवन तो बच्चों ये आएगा नाइन्टी एट सेवन सेवन या फोर्टी नाइन और फोर्टी नाइन टू ज नाइन्टी एट बच्चों ये आंसर आ चुका है फोर टू 8 अपॉन थ्री ये फाइनल आंसर है देयर फोर एच इज इक्वल एट अपॉन थ्री सेंटीमीटर यही फाइनल आंसर है आपको हाइट कैलकुलेट करनी थी बच्चों आसानी से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन आप देख सकते हैं राइट सर्कुलर कोन इज ऑफ हाइट एट पॉइंट फोर सेंटीमीटर एंड रेडियस और बीस इज टू पॉइंट वन सेंटीमीटर इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इन टू स्पेयर फाइंड द रेडियस ऑफ द स्पेयर बच्चे यहाँ पर आपसे बोला गया है एक कौन है जिसकी हाइट एट पॉइंट फोर है और रेडियस टू पॉइंट वन इसको मेल्ट करके एक स्पेयर बनाया गया है आपको स्पेयर के रेडियस निकालने बच्चों ध्यान दें एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई जा रही है इसका मतलब दोनों के वॉल्यूम आपस में इक्वल होंगे बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इज इक्वल वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच बच्चों ध्यान दें यहाँ पे पाई पाई का हिसाब बराबर हो जाएगा थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में अपॉन में लिखा हुआ है यह आएगा फोर आर आपको कैलकुलेट करना है इज इक्वल आर स्क्वायर का मतलब टू पॉइंट वन इंटू टू पॉइंट वन बच्चों एच की जगह लिखेंगे एट पॉइंट फोर देखिए फोर से ये कट हो जाएगा फोर टू ज फोर वन ज़ा ये आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू पॉइंट वन का होल क्यूब देख सकते हैं थ्री टाइम में क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों आर आ जाएगा टू पॉइंट वन सेंटीमीटर यही रेडियस आपको कैलकुलेट करनी थी ये था क्वेश्चन नंबर थर्टीन बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ देखिए फोर्टीन में आपसे कहा गया है फाइव हंड्रेड पर्सन हैव टू डिप इन अ रेक्टेंगुलर टैंक विच इज एटी मीटर लॉन्ग एंड फिफ्टी मीटर ब्रॉड वट इज द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इफ एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाई अ पर्सन इज जीरो पॉइंट जीरो फोर मीटर क्यूब बच्चों ध्यान दें आपसे कहा गया पांच सौ लोग हैं इस टैंक में पानी भरा हुआ है जो क्यूबार्ड शेप में है 500 लोग अगर इस पानी भरे हुए क्यूबार्ड के अंदर जाएंगे तो वाटर लेवल कितना इंक्रीज करेगा कितना उठेगा यानी यहाँ पर आपको वाटर लेवल की हाइट निकालनी तो यहाँ पर बच्चों आप सीधे सीधे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज जो पानी उठा उसका वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पर्सन तो आप ध्यान दें एक आदमी का वॉल्यूम नहीं यहाँ कितने आदमी गए एक साथ पाँच सौ यहाँ फाइव हंड्रेड से मल्टीप्लाई करा देंगे एक आदमी का वॉल्यूम और उसको फाइव हंड्रेड से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें पता चल जाएगा वाटर लेवल कितना उठा क्योंकि पाँच सौ व्यक्ति एक साथ गए तो आप यहाँ पर लिखेंगे एल बी एच इज़ इक्वल फाइव हंड्रेड ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर बच्चों यहाँ एल की वैल्यू है एट्टी बी है फिफ्टी एच आपको कैलकुलेट करना है फाइव हंड्रेड इंटू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर बच्चों एच कितना आ जाएगा फाइव हंड्रेड ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर अपाउन में आएगा एट्टी और फिफ्टी दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे फ़ाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा बच्चों इसको कन्वर्ट कर लें मीटर से, से सेंटीमीटर में तो ये आ जाएगा पॉइंट ज़ीरो फोर इंटू हंड्रेड अपॉन एट हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे ये बचेगा फोर अपॉन ऐट बच्चों एच आ जाएगा एट फाइव ज़ीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर यानी जो वाटर लेवल है वो कितना इंक्रीज़ कर जाएगा कितना वाटर लेवल बढ़ जाएगा बच्चों यहाँ पर आएगा ज़ीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्लियर हो गया होगा आप सबको